वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या चल रहा था? डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, हाउ टू प्रूव दैट डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। कैसे हम प्रूव करेंगे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि डीएनए का डायरेक्ट ट्रांसफर करना थ्रू द इंजेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब ध्यान यहाँ देना है कि ट्रांसडक्शन क्या है। दूसरा, ये जो एक्सपेरिमेंट है ट्रांसडक्शन है, इससे भी यही प्रूफ हो जाएगा कि डीएनए एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसडक्शन डिस्कशन करेंगे ट्रांसडक्शन का, उसके बाद आप खुद ही कंपेरिजन कीजिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं हम। द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा था, यहाँ पे ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, इसी बात का आपको ध्यान में रखना है। ओके, द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करना वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरिया बाई वेक्टर नोन एज ट्रांसडक्शन। जेनेटिक मटेरियल का यानी जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए और आरएनए, तो यहाँ पर हम डीएनए की अभी बात कर रहे हैं। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, ट्रांसफ़र करना थ्रू द वेक्टर, किसी वेक्टर के यानी किसी व्हीकल यानी वाहक के माध्यम से, किसी वेक्टर के माध्यम से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। यहाँ पर वेक्टर के रूप में हम बैक्टीरियोफेज को यूज करेंगे। बैक्टीरियोफेज को आप अच्छे से जानते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, इसी वजह से इसके थ्रू इस जेन डीएनए का ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। फिर से एक बात समझिए, द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल का ट्रांसफ़र होना किसके माध्यम से, वेक्टर के माध्यम से, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। ओके, डिस्कवर्ड, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, जिंडर एंड लेडरबर्ग, दो साइंटिस्ट जिंडर एंड लेडरबर्ग ने सबसे पहले ट्रांसडक्शन के बारे में बताया था। फिर ने फेज इन्फेक्ट, अब होता क्या है इसमें, ये पॉइंट वाइज पॉइंट आप देख लीजिए, व्हेन ए फेज इन्फेक्ट ए बैक्टीरिया, जब एक बैक्टीरियोफेज क्या करता है, किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, देन इट इंटर्स इट्स न्यूक्लिक एसिड, जैसे ही किसी बैक्टीरिया को, ये मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर फेज पार्टिकल जो होंगे इसके आएंगे, इंटर करेंगे, इसमें डीएनए होगा, और जब ये इसको इन्फेक्ट करता है तो इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है, वो क्या करता है, इंटर्स कर देता है किसमें, इनसाइड बैक्टीरियल सेल बाई लाइसिंग। अब इसी को समझ लीजिए, लाइसिंग के माध्यम से, लाइसिंग क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वाल को पहले डेड करना यानी उसको ख़त्म करना, ठीक है, उसको ख़त्म करके बैक्टीरियल सेल के अंदर ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को इंटर कर देता है, कौन इंटर करता है, बैक्टीरियोफेज, इसीलिए इसको कहा जाता है कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ओके, इतना हो गया, यानी डीएनए अब अंदर पहुंच चुका है बैक्टीरियल सेल में। नेक्स्ट पोर्शन में क्या हो जाएगा, पॉइंट में देख लीजिए, इट इज इनकॉर्पोरेटेड, अब ये क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट होगा, मिक्सिंग होगा किसके साथ, विद बैक्टीरियल जीनोम, मिक्स करेगा किसके साथ, बैक्टीरियल जीनोम के साथ मिक्सिंग करेगा, एंड दिस स्ट्रक्चर नोन एज प्रोफेज, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जब क्या होगा, जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल जीनोम के साथ यानी जो बैक्टीरिया में पहले से डीएनए है उसके साथ क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा ऐसे, ये समझ लिए, इतना पोर्शन सभी डीएनए में किसका है, बैक्टीरियोफेज का, इस तरीके से जब मिक्स हो जाएगा तो इस भाग को क्या बोलेंगे हम, प्रोफेज, इस भाग को क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को प्रोफेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद जब बैक्टीरियल सेल जीनोम के साथ बैक्टीरियोफेज का जीनोम मिक्सिंग हो जाएगा तो क्या करेगा, इनकॉर्पोरेशन इट ब्रोकन, ये क्या करेगा, टूटेगा, एंड मल्टीप्लाई अलॉन्ग विद बैक्टीरियल जीनोम, और अच्छे तरीके से बैक्टीरियल जीनोम के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, एंड फॉर्म न्यूमरस बैक्टीरियोफेज,
और नए नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण करेगा। अब ये साइकिल को समझाने का मतलब क्या है, अभी आपको ये साइकिल समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको हमको सिद्ध क्या करना है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सिद्ध करना है। चलिए आगे देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। आफ्टर लिबरेशन, अब जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के अंदर बन जाएगा तो क्या करेगा, लिबरेट करेगा, जो बैक्टीरिया की वॉल है इसको ब्रेक करेगा और क्या करेगा, बाहर निकलेगी। जितने भी बैक्टीरियोफेज होंगे, छोटे छोटे नए बने होंगे, वो सब क्या करेंगे, लिबरेट हो जाएंगे इन द आउटसाइड। इट अफेक्ट द न्यू बैक्टीरियम, और ये नए बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा। एंड ट्रांसमिट द डीएनए ऑफ प्रीवियस बैक्टीरियम, और प्रीवियस वाले बैक्टीरियम का जो डीएनए होगा उसको ट्रांसफ़र कर देगा। सिंस दिस ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस थ्रू बैक्टीरियोफेज, और ये डीएनए का ट्रांसफ़र किसके द्वारा हो रहा है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, हेंस इट इज़ नोन एज ट्रांसडक्शन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन। अब तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रांसडक्शन क्या है। अब ये समझना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे कहा जा रहा है यहाँ पे, आइए साइकिल समझते हैं। ठीक है, देखते हैं साइकिल को। ये बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन भी है, रिकॉम्बिनेशन द्वारा होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, इसको इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर वाले भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है साइकिल में कि एक बैक्टीरियोफेज बाहर से आता है, बैक्टीरिया सेल के साथ क्या करता है, इन्फेक्ट करता है उसको, और अपना जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर देता है। फेज डीएनए ये यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन यही है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, यही हुआ। जो बैक्टीरियोफेज है वो अपनी होल बॉडी एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान में देखना है कि अपनी होल बॉडी को बैक्टीरियल सेल के अंदर यानी होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं करता है, केवल और केवल अपना जो डीएनए है उसको एंटर करता है, यानी न्यूक्लिक एसिड एंटर करता है। ठीक है, अगर बॉडी नहीं एंटर कर रहा है तो बैक्टीरियोफेज क्यों बन रहा है, क्योंकि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आगे देखिए, ये एंटर कर दिया और इसके बाद बैक्टीरियल जीनोम के साथ मल्टीप्लाई करके ढेर सारे नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण कर देता है, जो कि वायरुलेंट फेज होते हैं, ये बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ सब स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, आप जितना अच्छे से इसको देखेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है, जो नया बना है बैक्टीरिया सेल के अंदर जो बना है, बाहर नहीं अंदर जो बना है, वो क्या करेगा, लिबरेट होगा, बाहर आएगा। ठीक है, थ्रू दिस ब्रेक डाउन ऑफ सेलवाल, सेलवाल को ब्रेक करके बाहर आएगा, इसी को बोलते हैं लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा और फिर से नए होस्ट को, रिसिपियंट सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। ओके, और फिर क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट करेगा बैक्टीरियल रिसिपियंट सेल के साथ, जो उनके उसके अंदर जीनोम है उसके साथ क्या करेगा, इसका डीएनए यानी बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो इन्फेक्टेड है उसको क्या करेगा, मिक्सिंग कर जाएगा, इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। नया इन्फेक्शन कर रहा है थ्रू द बैक्टीरियोफेज, इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ भी पहली बार ही जो फेज डीएनए था, बैक्टीरियोफेज था, सिर्फ और सिर्फ डीएनए एंटर करता है, लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पे, नया बैक्टीरियोफेज बन जा रहा है सेल के अंदर। अगर बैक्टीरियोफेज बनना रहा है उसकी होल बॉडी आना चाहिए, लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, सारा काम किससे होता है, इन्फॉर्मेशन डीएनए के द्वारा होता है, इसी वजह से यह सिद्ध होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही सारा फंक्शन करता है। अब इसके बाद ये जो नया बैक्टीरियोफेज है, ये भी अपना सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही इंटर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए इंटर करता है, ना कि उसकी होल बॉडी आती है। ठीक है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी हमने देखा था और ट्रांसडक्शन के द्वारा हमने भी देखा। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो कंजुगेशन पे होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से बैक करके रिवर्स करके आप देख लीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। जो लोग नए हैं वो पहले यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।